वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। हम हैं जयपुर में जी और अरफात भाई के साथ हूं मैं। अरफात भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम फाद भाई, भाई ने ये जेंटलमैन के फॉर्म पे लेके आए हैं और मुजाहिद भाई भी है साथ में, वो भी यहाँ पे पकड़े पाते हैं। मुजाहिद भाई, दुम्बो का शौक करा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई। और हमें बताओ कि दुम्बे में कितनी नस्ल के दुम्बे आते हैं? दुम्बे में भाई नस्लें तो बहुत सारी होती हैं इसके अंदर में। अभी आपको तीन ब्रीड लाइन हम बता देते हैं अवेलेबल है यहाँ पे। बिल्कुल अभी तीन। और सारे बिक्री के लिए? नहीं, फीमेल बिक्री के लिए नहीं है, जो बच्चे होते हैं वो। हाँ, अच्छे से बच्चे, बच्चे तो ये ज्यादातर फीमेल है यहाँ पर। ज्यादातर फीमेल ब्रीडिंग सेटअप है। ब्रीडिंग सेटअप है। तो सबसे पहले जो है आप बता रहे हो अफगानी दुम्बा। हाँ, अफगानी, अफगान अफगान साइड का है ये। है अफगानी दुम्बा। हाँ, ये क्या पहचान होती है इनकी? ये बड़ी दुम होती है इसके अंदर में, और पार्ट देखिए इसका गोल होता है एकदम, मतलब ये चिरवा जो इसको बोलते हैं। हाँ, इस तरीके से होता है, भारी पार्ट होता है ये। अच्छा, ये बेसिकली तुर्की तुर्की दुम्बे हैं, लेकिन अफगानी कैटेगरी। ये जो भारी दुम आती है इसके अंदर में ऐसा होता है, है ना? हाँ, और तुर्की जो है ये बाकी के सारे जो हैं ये तुर्की के अंदर में आते हैं। अच्छा, इनमें वो दो स्लाइडिंग नहीं, इसमें क्या है एकदम चीरी होके पूरा दो साइड से पूरा फैट लटका हुआ है। इसमें क्या है वजन, इसके अंदर में क्या है अभी ब्रीडिंग के अंदर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए तुर्की जो है फर्स्ट उस पे चल रहा है अभी, नंबर वन जो क्वालिटी चल रही है। अच्छा, इसमें ब्रीडिंग के लिए दिक्कत नहीं आती है, अपने आप क्रॉस हो जाती है। अच्छा, वो जो मैं देखता हूँ मुंबई में, जो मैंने काफी वीडियोस बनाया हूँ जैसे जीरी वगैरह पे, नहीं 150-150 किलो के, वो एकदम नीचे लटक जाता है मेल का, वो कौन सा दुम्बा होता है? वो भी तुर्की के अंदर ही आता है। नागौरी भी दुम्बा होता है? नहीं, नागौरी के, नागौरी तो वो है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नागौरी के अंदर में लंबी दुम होती है ये नागौरी के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो जो लटकने वाला है जैसे ऐसे ही, इसको क्या कहते हैं? ये तुर्की के अंदर, ये भी तुर्की। इज दिस मेल? ये मेल है, फीमेल है? फीमेल है ये, फीमेल है। इसमें कोई मेल बच्चा है अपना? ये मेल ब्रीडर वगैरह रखा? ये रहा मेल ब्रीडर, ये ब्रीडर। आप ये देखिए इसको, अभी बाल वाल नहीं काटे इसके, ये देखिए पूरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आज नहलाए हुए हैं क्या सारे के सारे? नहीं नहीं नहीं, इतने साफ है माशाल्लाह। हाँ, फिर भी ये इसी का बच्चा है। मेल है फीमेल है? ये मेल है, ये मेल है। ये देना है आपको मेल? अभी नहीं देना। ये कितने महीने का होगा? ढाई महीने का बच्चा है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है। हाँ, ढाई महीने का है। ढाई महीने के अंदर में फर्क, ये देखिए आप क्वालिटी इसकी, सो ब्यूटीफुल, एकदम पिंक। ये तो दुम्बे जो है ये एक्सपेंसिव ब्रीड है ना? यस, दिस इज एन एक्सपेंसिव शॉप। सही बात है। क्या रेट से क्या रेट तक के आ जाते हैं दुम्बो के अंदर में भी? फाद भाई वही है, बकरों की तरह है, कोई रेट ही नहीं है इसकी। बच्चे मिनिमम कम से कम बच्चा जो है इसमें 25,000 रुपए का बच्चा मिलता है। हाँ जी, शुरुआत ये जाते हैं 150-150 किलो ना? बिल्कुल जाते हैं, 150-150 किलो जाते हैं। जो हमारा ब्रीडर है वो कितने किलो पे होगा? ये फाद भाई इसको तो अभी ब्रीडिंग के लिए रखा है, तो इसका वजन अभी कम ही है, फिर भी अभी 120 किलो आएगा। ये कितने साफ है माशाल्लाह। क्या वजह है कि इतने साफ? जैसे मैं दूसरे दुम्बे देखा हूँ, ये मट्टी का कमाल है। ये कौन सी मट्टी है नीचे इसके अंदर में? भी ये नॉर्मल जो हमारी यहाँ की मट्टी है, इसमें खाद वगैरह जो है वो रोक रखी है अभी हमने सर्दी की वजह से, ताकि नर्म रहे। ये चेंज करना पड़ता है? हाँ, ये चेंज करना पड़ता है। गर्मी होती है तो इसके अंदर में सड़ने का और गीले होने के बाद में कीड़े पड़ने का डर होता है। अभी सर्दी में इसलिए रोक के रखते हैं, गर्मी में रोज सफाई करते हैं। ओके जी, खाने में क्या डाले इनको? खाने के अंदर में ये भूसा है, ये मक्का, वो जो आती है ना लग रहा है रंच का, तो ऊपर से डाला है अभी, ऊपर से डाला है, अदरवाइज कुछ हरे हरे के लिए। ओके, हाँ, तो ये क्या है, किस चीज का भूसा है?